किसी बच्ची ने गैस जलाई है, वो गैस बंद हो गई है, उसने तवज्जो नहीं की, अब रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे कहीं गैस आ गई है, तो अब क्या हो गया है कि घर में गैस बननी शुरू हो गई है। छोटा सा शोला जो बोर्ड के अंदर पैदा हुआ है वो उस गैस को आग लगा देता है और वो पूरा कमरा और पूरा घर एक धमाके से उड़ जाता है। उस गैस को बाहर निकाल लें पंखों के साथ, सरानों के साथ हला के मूव करके, कोई पंखा कोई बटन ऑन नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। सर्दियों में आग लगने के वाकयात क्यों तेज़ी से ज़ोर पकड़ रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्यों आग लगने के वाकयात बढ़ रहे हैं और इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, इस हवाले से हम आपको अच्छी अच्छी बातें जो बताएंगे उस पर आप अमल भी कीजिएगा। रेस्क्यू 1122 के PRO हैं फारूक साहब, जिन्होंने इस पर पूरी रिसर्च किया और उसके बाद आपकी इंसानी जानों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आपको हफाजती तदाबीर वो बताएंगे। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये इतनी अच्छी बातें जो बता रही हैं ये लोगों तक भी फैलाई जाए और लोगों की इंसानी जानों का जो ज़िया हो रहा है उनको भी बचाया जाए। हमारे साथ फारूक साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा फारूक साहब, ये कैसे वाकयात बढ़ रहे हैं और इसको रोकने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए? देखिए, हमारे पास रोज़मर्रा की जो एमरजेंसीज आती हैं, अगर उस डाटा को आप सामने रखें, अभी हम जो सनती डाटा है उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम घरेलू जो हमारी बहनें बेटियां हैं जो अपने घर में रहती हैं वो इन हादसा से कैसे बच सकती हैं, हमने उनके मतलब बात करनी है। पहले तो एक बड़ा छोटा सा फार्मूला है कि इन दिनों गैस कभी आ जाती है और कभी चली जाती है, यानी कि गैस के आने जाने में फ्लक्चुएशन रहती है। तो हमारी को बहन बेटी किसी भी तरह से, उसने एक दूध उबालने के लिए रखा, अब गैस चली गई है, उसने देखा कि ये गैस चली गई है और उन्हें पता ही नहीं चलता और आग खुद बखुद बुझ जाती है, और ये वाकयात रेस्क्यू के अंदर अक्सर रिपोर्ट होते हैं। अब रात के वक्त क्या हुआ है कि सर्दियों के मौसम है, सर्दियों के मौसम में बड़ी शदीद सर्दी होती है, तो हर बंदा जो है ना सारी दरवाजे अलमारियाँ विंडो अग्ज़ा हर चीज़ को बंद कर देता है। अब किसी बच्ची ने गैस जलाई है, वो गैस बंद हो गई है, उसने तवज्जो नहीं की, अब रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे कहीं गैस आ गई है, तो अब क्या हो गया है कि घर में गैस बननी शुरू हो गई है। हमने क्या नहीं करना, ऐसी सूरत में अगर हम सुबह उठे हैं और हमें पता चला है कि हमारे घर के अंदर गैस की बू आ रही है, याद रखें ये बात आप पल्ले बांध लें, आपने कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ना ऑन करना है ना ऑफ करना है। ये बड़ी अहम फारूक साहब ने बात बताई है, इस पे आप यकीनन गौर करें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि खिड़कियां जो है ना, जाहिर सी बात है जब बंद हो जाती है गैस वो बढ़ जाती है तो उसके असरात यही होते हैं कि इंसानी जान का ज़िया होने का खतरा है। दूसरा इन्होंने बड़ा अहम एक पॉइंट रेज किया, वो अपने नाजरीन को बता रहे और सुनिएगा भी गौर से। देखिए, अहम बात यह है कि जब गैस आपके घर में भर गई है तो आपने कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इवन कि आपने कोई बल्ब भी ऑन नहीं करना। देखिए, जब आप बल्ब को ऑन करते हैं, बटन को आप टिक करते हैं, तो जब वो बल्ब नीचे जाके स्ट्राइक करता है बटन, तो उसके ऊपर एक छोटा सा शोला पैदा होता है। गैस अब पूरे कमरे में भर चुकी है, गैस अब पूरे कमरे में भर चुकी है, और वो जो छोटा सा शोला जो बोर्ड के अंदर पैदा हुआ है वो उस गैस को आग लगा देता है और वो पूरा कमरा और पूरा घर एक धमाके से उड़ जाता है, और उस धमाके से उड़ने की वजह से वहाँ के घर के जितने लोग हैं वो उस एमरजेंसी का शिकार हो जाते हैं। तो आपको जब कभी कोई गैस की स्मेल आए तो आपने किसी भी सूरत में ना मोबाइल की लाइट ऑन करनी है, ना मोबाइल को कॉल करना है, ना एग्जास्ट को ऑन करना है, ना कोई बटन ऑन करना है, ना कोई ऑफ़ करना है। तो करना क्या है, करना यह है कि आपने अपनी विंडोज़ खोल देनी है और नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से, देसी तरीके से उस गैस को बाहर निकालना है, पंखों के साथ, सरानों के साथ हला के मूव करके, कोई पंखा कोई बटन ऑन नहीं करना। अगर आपने कोई पंखा या बटन ऑन कर दिया, वो गैस जो आपके पूरे घर में भर चुकी है उसको वहाँ से इग्निशन मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा चूल्हा जब जलाने लगते हैं लाइटर के ऊपर एक छोटा सा शोला होता है, वो वहाँ पे आग लगा देता है। ये बड़ी अहम बात है जी कि जब गैस भर जाती तो आपने कोई मोबाइल ऑन नहीं करना, आपने कोई लाइटर नहीं जलाना, ना पंखा जलाना, बल्कि खिड़कियाँ और दरवाजे खोल देने हैं ताकि वो गैस बाहर चले जाए। अच्छा फारूक साहब, ये बता दें, ये हादसा बड़ा अच्छा आपने बताया, एक लोग इस पे अमल क्यों नहीं करते और क्यों आगे नहीं इस चीज़ को फैलाते? देखिए, पहली बात यह है कि ये बात अब तक पहुंच गई है, अब खुदा ने करे अगर आपके घर में ऐसा वाकया हो जाए तो आपने कभी भी ये काम नहीं करना और इसको आगे कम्युनिकेट करना है। चैनल आपका है, लोग देखते हैं, लोग इस नेकी के काम में हिस्सा डालेंगे,
अगर कभी ऐसा वाकया हो तो आपने गैस को नेचुरल तरीके से निकालना है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें हादसे से महफूज रखेगा। जी फारूक साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई हमारे नाज़रीन को, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपने ये बातें जहन में रखनी और लोगों को भी बतानी है, क्योंकि आए रोज़ हम देख रहे हैं कि घरों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में इस तरह के हादसे होते हैं, और इनसे बचने के लिए हफाजती तदाबीर भी आपको बता दी गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।